नमस्कार मेरे सभी एक्स टूल यूज़र्स को, आज जो मैं वीडियो लेके आई हूँ, ये जो हमारे जो एक्स टूल है, एक्स टूल में नया डिवाइस आया है, मैं आप लोगों को उस डिवाइस से इंट्रोड्यूस करवाऊँगी, जो कि हमारा डिवाइस है XT70। ये हमारा XT70 का जो है बॉक्स है। अब इसमें मतलब क्या क्या चीज़ को इम्प्रूव किया गया है, क्या क्या चेंजिंग की गई है, मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगी, ठीक है। पहले तो मैं इसकी अनबॉक्सिंग करती हूँ। हम ओपन करेंगे, देखिए ये पहले तो इसकी पूरी एसेसरीज है, जो कि ये देखिए फर्स्ट नंबर पे चार्जर, जो कि चार्जर पहले भी आता था लेकिन वो थोड़ा अलग टाइप में था, ये चाइनीज चार्जर दे रखा है इसमें, ठीक है। और ये हमारा जो हम नॉर्मली चार्जर यूज़ करते हैं वो है। अब इसमें डिफरेंट क्या कर दिया गया, जो हो हमारा PA70 में चार्जर था वो नॉर्मली चार्जर था, मतलब जैसे हम फ़ोन में यूज़ करते वो चार्जर था, बट अब जो दे रखा है ये 12 वोल्ट का चार्जर इसमें कनेक्ट करके दे रखा है, ठीक है। और वही हमारी आ जाती है 16 पिन की जो केबल होती है, OBD केबल, ये हमारी OBD केबल है। दूसरा देखिए इसकी पैकिंग जो करें, कितनी बेहतरीन तरीके से इसकी पैकिंग कर रखी है। और हमारी डिवाइस की बारी आती है, ये हम इसको ओपन करेंगे। ये देखिए हमारा जो टूल है, जो उसका हार्डवेयर रेडी किया गया, कितने बेहतरीन तरीके से इसका हार्डवेयर रेडी किया गया है, कितना बेहतरीन लग रहा है देखने में। और ये देखिए हमारा जो PA70 था उसमें स्टैंड का ऑप्शन नहीं था, इसमें देखिए स्टैंड का ऑप्शन भी दे रखा है, हम इसको ईजिली कहीं पर भी रख के यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा हम आ जाते हैं, हमारा जो PA70 था उसमें जो कैमरा था, कैमरे का ऑप्शन नहीं दे रखा था, बट इसमें आपका कैमरे का भी ऑप्शन दे रखा है, ये आपका 8.0 मेगापिक्सल का कैमरा दे रखा है, ठीक है। अब इसको हम ओपन करते हैं, ये देखिए ओपन जैसे PA70 में होता था बिल्कुल उसी तरीके से इसमें भी ओपन होगा। चार्जिंग सिस्टम आपका ये रहेगा, ये आपका जो OBD केबल लगाते हैं उसका सिस्टम है, ठीक है। हमें इसको जो ऑन ऑफ बटन होता है इसको हम पुश करके रखेंगे, ये ऑन हो रहा है। मतलब इसमें यही चीज है कि मतलब इस टूल को कितना इंप्रूव किया गया, मतलब कितने अच्छे से रेडी किया गया, वही सब इस चीज़ में मैं आपको इस वीडियो में इन्फॉर्मेशन दूंगी कि कितने अच्छी बेहतरीन तरीके से इस नए टूल को लाया गया है। ये आपका ओपन हो रहा है, ये देखिए जिस तरीके से PA70 में होता था बिल्कुल उसी तरीके से इसको भी हम लॉगिन करते हैं, ठीक है। पहले तो आपका जो है लैंग्वेज सिलेक्ट करने के लिए बोल रहा है, तो लैंग्वेज हमें इंग्लिश सिलेक्ट करनी है, तो इंग्लिश पे ठीक है क्लिक कर रखा है, इसी तरीके से ऊपर नीचे होगा, ठीक है। क्लिक करेंगे नेक्स्ट, अब यहाँ पे देखिए ये आपका ईमेल पासवर्ड और रिटर्न जो री एंटर पासवर्ड मांग रहा है, ठीक है। इसको छोड़ेंगे, मतलब आप दो तरीके से इसको देख सकते हैं, तो आपका जो पहले अगर आपको लॉगिन करना है तो आप साइन अप करके आप उस तरीके से भी देख सकते हैं, लेकिन मैं आपको ट्रायल करके दिखाऊंगा, ठीक है। ये ट्रायल का ऑप्शन है, इस पर हम क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर भी आपका लॉगिन का आ रहा है और ओके का आ रहा है, तो हम इसको ओके करेंगे, ठीक है। देखिए फंक्शन सारे वही हैं, जो भी सॉफ्टवेयर PA70 में सेम सॉफ्टवेयर इसमें भी है, लेकिन जो उसका चेंज किया गया है बस हार्डवेयर चेंज किया गया है। प्रोसेस सब सेम ही रहेगा कि जब आप KYC करवाते थे, KYC करवाने के बाद ही इंडिया का वर्जन आता था, तो उसी तरीके से ही इसका जो है इंडिया का ऑप्शन जो है तभी इसका क्लिक हो जब और तभी ऑन होगा जब आप KYC करवाएंगे, ठीक है। और जो इसकी स्क्रीन है ये आपकी 10 वर्जन की स्क्रीन है, ये देखिए सारे फंक्शंस यही सब दे रखे हैं।
बाकी आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि मतलब यही बताना चाहती हूँ कि इसका जो हार्डवेयर है बस वही चेंज हुआ है और थोड़ी बहुत एसेसरीज चेंज हुई है। बाकी जो आपका वर्क जो PA70 से होता था बिल्कुल वर्क इससे भी होगा, और जो इंडिया का फोल्डर है आप जब KYC करवाते थे तभी ऑन होता था, उसी तरीके से जब आप KYC करवा लेंगे तभी इंडिया का फोल्डर ओपन होगा। बाकी मतलब और इसकी जो रैम है, रैम भी एक बार बता दूँ, जो 2 GB इसकी रैम है ठीक है, और आपकी 64 जो होती है 64 GB इंटरनल मतलब इसमें मेमोरी दे रखी है। बाकी आगे के जो वीडियो है मैं लेके आऊँगी आपको काम कर, मतलब हम इस जब इस डिवाइस से काम करेंगे तो मैं आगे की वीडियो आपको काम करके दिखाऊँगी ठीक है। थैंक यू।